the spiritual foundation of Shraman Yoga Sadhana with reference to Acharang Sutra. Acharang Sutra माना जाता है कि आचार का ग्रंथ है, लेकिन मेरे लिए ये सबसे बड़ा आध्यात्म का ग्रंथ है. इट्स अ सॉन्ग ऑफ द सोल. और 45 आगमों में 44 को एक तरफ रख दीजिए और आचारंग को एक तरफ रख दीजिए, इतना मतलब उसका वेटेज है. और लगभग मैं यूनिवर्सिटी में 25 साल से ये आगम पढ़ा रही हूँ, प्राकृत से और अनुवाद आदि को रख करके. सो प्लीज़ मैं फटाफट बोलूँगी, आप जल्दी से पेज डाउन करते रहिए. दिस इज़ द कॉन्टेक्स्ट. आज मॉडर्न एज है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एज है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड हो गई है. इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी कंप्यूटर्स, स्पेस क्राफ्ट्स, रोबोट्स, आपके बच्चे इन सब के बारे में ज़्यादा जानते होंगे. लेकिन इमोशनल लेवल पर डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव, फियर, इनसिक्योरिटी, डिपेंडेंसी, हम आज टेक्नोलॉजी के ऊपर इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि मोबाइल के बिना एक घंटा भी हमारा नहीं चलता. अपन देखते हैं कि श्रवण साधना में डिटैचमेंट को इम्पोर्टेंस दिया है, लेकिन हमने हमारे जीवन में अटैचमेंट को बहुत इम्पोर्टेंस दे दिया. फैमिली के साथ अटैचमेंट, पैसे के साथ अटैचमेंट, प्रेस्टीज, स्टेटस, बच्चों के लिए इतना ज़्यादा हमने अटैचमेंट दे दिया है. तो ये संदर्भ है. आचारंग सूत्र में बताया कि लोक का सार क्या है. व्हाट इज़ द एसेंस इन चैप्टर 5, लोक सार अध्ययन है. लोक का सार क्या है? तो धर्म. और धर्म वो अंदर होता है, बाहर में उसकी क्रिया दिखती है. धर्म वास्तव में धर्मी में ही रहता है. और धर्म का सार है ज्ञान, और ज्ञान का सार है संयम, और संयम का सार है निर्वाण. तो ज्ञान का ज्ञान वो संयम है, और उस ज्ञान का पूर्ण रूप से केवल ज्ञान में कन्वर्ट हो जाना वो निर्वाण लगभग एक तरह से. नेक्स्ट वन. ये जो है एक बहुत सुंदर, मैंने एक नंबर दिया है आपके सामने 11111, और नीचे मैंने बंध के 5 कारणों को बताया है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग. अब योग के नाम पर, ये 5th वाला है, हम बहुत सारी प्रैक्टिसेस करते हैं, मन को कंट्रोल करना, ये करना वगैरह वगैरह, लेकिन ये जो योग है उसकी वैल्यू 1 है. 11111 में समझ लीजिए कि आपने 11111 का कर्ज लिया है, और आपको वो कर्ज चुकाना है. आप एक 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 रुपया चुकाएंगे तो वो कर्ज आपका कभी भी चुका नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका ब्याज क्या होगा, एड ऑन होता जाएगा. तो अगर आपको मैं कहूँ कि आपके 11000 में से मैं 1st को रिमूव कर देती हूँ, तो कितना कर्ज बचा अपने साथ? ईजी हो जाता है, 1000 रुपये ही. फिर मैं कहती हूँ तो दूसरा 1 निकाल दो, तो 111. फिर 100 में से अब आपने 10000 निकाल दिया, 11000 निकाल दिया, तो 111 निकालने के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं होती है. तो चौथे में उसकी वैल्यू है कषाय. चौथे की जो वैल्यू है, चौथे का जो प्लेस है वो कषाय का. कषाय की वैल्यू क्या है, कोई मुझे बताएगा? इस 11111 में कषाय की वैल्यू क्या है? 10. हमें गुस्सा बहुत आता है, नो प्रॉब्लम. हमें घमंड है, नो प्रॉब्लम. लेकिन जिनवाणी कहती है कि आप एक मिथ्यात्व को निकाल दो, तो आपका कषाय भी 1-2 जन्म में चला जाएगा. लेकिन आप डायरेक्ट कषाय को अटैक करेंगे, आपको जिनवाणी पूरी नहीं मालूम, विधि नहीं मालूम, तो आपका कषाय 3 जन्म में भी जाने वाला, मतलब 3 क्या, अनंत काल तक जाने वाला नहीं है. और मिथ्यात्व को दूर कैसे करना है, ये डॉक्टर जयंतीलाल जैन ने आपको बहुत अच्छे से बताया. आप मानिए तो सही कि आप सिद्ध जैसे जीव हैं, मानेंगे तो साधना, योग साधना अपनी चालू होगी. तो और योग तो लास्ट में अरिहंत भगवान के भी रहते हैं, लेकिन वो अपने आप क्या हो जाते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं, उनको डाइल्यूट करना नहीं पड़ता है. तो मन, वचन, काया, ये आपको घर के अंदर भी ले जा सकते हैं, घर के बाहर भी, यानी आपको मोक्ष मार्ग की ओर भी ले जा सकते हैं और संसार की ओर भी ले जा सकते हैं. जैसे कंप्यूटर है, मिसाइल है, टेक्नोलॉजी है, आप इसको अपने को बर्बाद करने के लिए भी लगा सकते हैं, अपने को यूज़ कैसे करके आगे बढ़ना वो भी अपने हाथ में ही है. तो कोई भी चीज़ ना अच्छी होती है ना बुरी होती है, ऐसे ही मन, वचन, काया ने अच्छे होते ना बुरे होते हैं, ये आपकी दृष्टि के ऊपर डिपेंडेंट है. और दृष्टि के बारे में हरिभद्र सूरी आदि के ग्रंथों में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है. नेक्स्ट हम चलते हैं 4 अनुयोग. जो आचारंग सूत्र है इसमें महावीर की ध्यान, भगवान महावीर की ध्यान साधना का भी वर्णन है, जिसको हम प्रथमानुयोग बोलते हैं. उसको श्वेतांबर ट्रेडिशन में धर्म कथानुयोग बोलते हैं. जितने भी महापुरुष हुए उनका जीवन चरित्र जो दोपहर में चोपी वगैरह बांची जाती है वो धर्म कथानुयोग. फिर वो क्या प्रैक्टिसेस किए वो चरणानुयोग, और क्या क्या हुआ गुणस्थान में, कर्म में, कषाय में, कैलकुलेशन,
वो सब है करणानुयोग, जिसको श्वेतांबर ट्रेडिशन में गणितानुयोग बोलते हैं, लेकिन इन सब का बेस द्रव्यानुयोग है। और आचारंग सूत्र ज्ञान चेतना द्रव्यानुयोग से शुरू होता है और फिर चरणानुयोग में जाता है और फिर लास्ट में भगवान महावीर की ध्यान साधना, इस प्रकार प्रथमानुयोग के नाम से वो 9th चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट, जितने भी आगम ग्रंथ है उसमें योग के हमें इतने सारे वर्ड्स मिलते हैं, तो आचारंग में भी ये सारे वर्ड्स नहीं मिलते लेकिन इन सब की ओर इशारा मिलता है। जैन योग साधना को आध्यात्म योग, ध्यान योग, भावना योग, वीतराग योग, समत्व योग, आयत योग, भगवान महावीर को आयत्त योगी कहा गया है, आयत्त योगी लोग विपस्सी, आयत्त चक्षु, चक्षु यानी दृष्टि, तीसरी आंख, ये दो आंखों से हम संसार की चीज़ें देखते हैं लेकिन आत्मा को देखने के लिए, सत्य को देखने के लिए, द्रव्य स्वभाव को देखने के लिए हमें श्रद्धा की या अनुभव की तीसरी आंख चाहिए। तो आयत योग यानी लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान में कैसे जीना, वर्तमान में जो जीता है वो वर्धमान बनता है। और आयत योग के बारे में अगर हमें और डिटेल में आजकल के बच्चों को पढ़ाना है तो इन द यूनिवर्सिटी, इन द डिफरेंट शिविर, आई ऑलवेज टेल देम टू रीड अ बुक कॉल्ड द पावर ऑफ नाउ बाय एकार्ट टोली, एक बुक है द पावर ऑफ नाउ, इट इज़ अ बेस्ट सेलर, एंड उसमें वर्तमान में कैसे जीना उसके एक प्रैक्टिकल गाइड के रूप में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट, तो योग के इतने कॉनोटेशन्स हमें मिलते हैं, भावना, ध्यान, तप, चरित्र, संवर, निर्जरा, समता, अध्यात्म, ये सब योग के ही पर्यायवाची शब्द है, या यूं कहें कि योग जो है वो इन सब का मिला जुला वर्ड है, कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम आते हैं, भगवान महावीर के लिए कहा कि वो वर्तमान में जी रहे थे, आयत योग नाम आता है, कम्प्लीटली डिटैच्ड थे, डिटैच्ड यानी अनासक्त। वो आप जब 9th चैप्टर आचारंग का पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि साक्षात भगवान महावीर स्वामी आपके सामने खड़े। मैं आपको सिर्फ एक मिनट में मेरा अनुभव बताऊंगी। मैंने 1997 में PhD की और उसके बाद मैंने प्राकृत का अध्ययन किया, और जब मैंने मूल प्राकृत से इन ग्रंथों को पढ़ा तो मैं आपको सच बोलूं कि मुझे PhD करते समय भी इतना आनंद नहीं आया जितना प्राकृत भाषा और प्राकृत शास्त्रों को पढ़ करके आनंद आता है। तो जब भी हम पढ़ाते नहीं होते हैं, हम अपनी पढ़ाई इस तरीके से कर रहे होते हैं, तो इनर जर्नी, महावीर कोई व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्तित्व है जो अंतर में यात्रा कर रहे हैं और जिन्होंने अपने अंतर को पूर्ण रूप से, अपने पोटेंशियल को मैनिफेस्ट किया है, और सेल्फ रियलाइजेशन उनकी। आप भगवान महावीर के 27 भवों को देखिए, आप और हम सब भी मोक्ष पाना चाहते हैं लेकिन महावीर को भी 27 भव लगे महावीर लेवल तक पहुंचने के लिए, और फिर कम्प्लीटली डिज़ायरलेस एंड सुप्रीमली कंटेंटेड, इतना मतलब उनको अपने में आनंद आ रहा था कि बाहर से जिस दिन दीक्षा लिए उसी दिन वो विहार करके अपनी योग साधना की ओर वो चल पड़े। ऐसा नहीं कि अभी तो मैं राजा था, राजकुमार था, अभी दीक्षा लूँ, थोड़ा सुस्ता लूँ, आगे जाकर के यात्रा कर लूँगा। जो उन्होंने गौतम को कहा, पहले खुद फॉलो किया, फिर गौतम को कहा और सभी तीर्थ मेंबर्स को कहा, एंड तभी वो जाकर के अपने सफरिंग, अपने मतलब दुखों से और दोषों से वो मुक्त हो पाए। तो जिनको भी दोष मुक्त होना है या जिनको भी दुख मुक्त होना है, उनकी दृष्टि में दोष मुक्ति होगा तो ही वो दुख से मुक्त हो सकते हैं। ऐसा संदेश देने वाला, ऐसी योग साधना की ओर हमें प्रेरित करने वाला ये आचारंग ग्रंथ है। ये पर्पस ऑफ योग, मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो एक एक स्लाइड के ऊपर हम 5-10 मिनट आराम से बोल सकते हैं। इट्स ए साइको स्पिरिचुअल टेक्निक, ये अंतर मनस की बात है, अंतर आत्मा और परमात्मा तत्व तक पहुंचने की बात है, इसीलिए बहिरात्म तत्व को क्या किया जाता है, लगाया जाता है अपने अंतरतम की ओर, ताकि हम अहम से अर्हम और फिर योग से अयोग, मानव से महामानव, नर से नारायण, आत्मा से परमात्मा की ओर बढ़ सके। सो इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव होलनेस, जब कोई जीव मोक्ष प्राप्त करता है तो उसका इंडिविजुअल फायदा भी होता है, मतलब इंडिविजुअल तो वो पहुंचता ही है लेकिन कलेक्टिवली कितने लोगों के लिए वो एक इंस्पिरेशनल टूल बन जाता है। और गोइंग बियॉन्ड द वर्ल्ड ऑफ चेंज आफ्टर द करेक्ट डिसीशन इज मेड, यानी उत्पाद व्यय द्रव्य, उत्पाद और व्यय तो चल रहा है लेकिन ध्रुव दृष्टि, द्रव्य दृष्टि, यानी उस द्रव्य दृष्टि पर कैसे दृष्टि टिकाए, उसकी शुरुआत ही हमें आचारंग के पहले अध्ययन में मिलती है। नेक्स्ट वन, ये
ये आप विद्वानों के लिए नहीं है लेकिन पब्लिक को ध्यान में रखते हुए स्लाइड बनाई गई है कि आप सबको मोक्ष की बहुत चिंता है। किसको चिंता नहीं है? चिंता है, इसीलिए शायद यहाँ पर आए हैं। लेकिन हमें आप इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो देह मुक्त, हमें इस देह से मुक्त होकर के सिद्धालय में जाने की बहुत चिंता है, लेकिन देह से मुक्त वही होगा जो जीवन मुक्त होगा। जीवन मुक्त यानी अरियंत दशा को प्राप्त करेगा। और अरियंत दशा को कौन प्राप्त करेगा? 13वें गुणस्थान में जिसके मोह से मोक्ष हुआ है, यानी 12वें गुणस्थान को जिसने छुआ है। और 12वें गुणस्थान में कौन जाएगा, कौन है उसका अधिकारी? तो कहा 4थे गुणस्थान में जिसका दृष्टि में मोक्ष होगा। और दृष्टि में मोक्ष किसके होगा? जो अपने शक्ति रूप में त्रिकाली ध्रुव शुद्ध सिद्ध भगवान जैसा जीव में हूँ ऐसा जो निर्णय करेगा, उसके दृष्टि मोक्ष, मोह मोक्ष, जीवन मुक्त और देह मुक्त, इस प्रकार की यात्रा शुरू होती है। नेक्स्ट वन, ये आचारांग सूत्र के अध्ययन है, मैं इनके ऊपर नहीं जाऊँगी, इसके लिए एक अलग से ही एक सेमिनार करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, अब आचारांग सूत्र के पहले अध्ययन में हमें ज्ञान चेतना और अनुभव चेतना, ये दो टर्म्स मिलते हैं। तो ज्ञान चेतना में 5 प्रकार के ज्ञान का वर्णन और अनुभव चेतना में ये 16 प्रकार की संज्ञा का वर्णन मिलता है। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, आज हम सब ये करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि अनादि काल से ये 16 संज्ञाएं हमारे साथ लगी हुई है। तो भगवान महावीर कहते हैं कि बहुत से जीवों को ये संज्ञा ही नहीं होती कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और मेरा आगे मैं क्या था और मैं क्या होऊंगा। तो जो इन प्रश्नों के ऊपर विचार करेगा उसी की संज्ञा क्या होगी, उसी की ज्ञान चेतना जो है वो ब्लॉसम होगी। और अगर नहीं हुई वो, तो वो अनुभव चेतना में ही रहेगा और फिर अंततोगत्व अपने ज्ञान चेतना के ऊपर वो आवरण को लेकर के वापस लोवेस्ट लेवल ऑफ चेतना यानी निगोद में भी वो वापस चला जाएगा। तो निगोद लेवल एकेंद्रीय जीव को जो है कर्म फल चेतना होती है और बेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक कर्म चेतना होती है मिथ्या दृष्टि के लिए, और सम्यक दृष्टि के लिए ज्ञान चेतना की योग साधना शुरू होती है। नेक्स्ट वन, तो ये जो है साधना का क्रम, मैं कौन हूँ इसके बारे में मैंने बता दिया है। नेक्स्ट वन, एक मिनट, प्रीवियस स्लाइड में जाइए। इसमें मैंने 6 प्रश्न लिखे हैं लेकिन आप संवेदन की सरगम में ऐसे ही 200 प्रश्न आप पढ़ सकते हैं और अपनी योग साधना की शुरुआत बहुत ही LKG लेवल से आप शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट वन प्लीज़। ये है आचारांग सूत्र में बताया कि पहले ज्ञ परिज्ञा से अपने लक्ष्य को स्थापित करें और फिर प्रत्याख्यान परिज्ञा से संसार से डिटैच होवे। 6 काय के जीवों की हिंसा से आदि आदि से डिटैचमेंट की बात ज्ञान ज्ञ चेतना के बाद ही आती है। और बिना ज्ञ चेतना के आप प्रत्याख्यान चेतना में जाएंगे तो वो आपको मोक्ष मार्ग वाली प्रत्याख्यान पचकांड नहीं कराएगा, पुण्य का मार्ग होगा, देवलोक दिला देगा बगैर। और ज्ञान चेतना है वही सामायिक है, आलोचना है, प्रतिक्रमण है, ये बहुत अच्छे से नियमसार आदि ग्रंथों में आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन, और आचारांग में कहा कि ये जो हिंसा है, हम हिंसा का मतलब दूसरे जीवों की हिंसा ले लेते हैं, लेकिन जब हम ज्ञान चेतना में नहीं आते हैं तब हम हमारे स्व चेतना की क्या करते हैं, घात करते हैं। एवरी मोमेंट हमारा सुइसाइड हो रहा है, या एक तरह से कहे तो क्या बोले, बलात्कार जैसा वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाहती लेकिन वो हो रहा है। तो ज्ञान चेतना का आदर वही मोक्ष मार्ग है, वही सामायिक साधना स्वाध्याय आदि है। तो ये जो ज्ञान चेतना में नहीं आते हैं तो वो ग्रंथि है, वो मिथ्यात्व की ग्रंथि है और बाकी की 23 ग्रंथियाँ हैं, मोह है, मृत्यु है और नरक है। नेक्स्ट वन, ये टर्म्स है जो योग साधना के लिए जो टर्म्स आचारांग सूत्र में यूज होते हैं, तो यहाँ पर खेदज्ञ बताया। खेदज्ञ क्या मतलब क्या है कि इस जीव को दुख बहुत हो रहा है, उस दुख का कारण क्या है, उस दुख, ये दुख जो है वो इस आत्मा इस शरीर में रहती है यानी शरीर क्षेत्र है, उस क्षेत्र में रहने वाला का ज्ञान, क्षेत्रीय का ज्ञान, खेद उसके खेद का ज्ञान वो खेदज्ञ। ऐसे वीर, अप्रमत, संयम, परिनिर्वाण, वसुमान, वसुमान यानी जो रत्नत्रय से भरा हुआ है, तो ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं, मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगी। यहाँ पर हमें विपस्ना, तथागत, प्रेक्षा, संपेहा आदि वर्ड्स भी आचारांग सूत्र में हमें
मिलते हैं, जिसको बाद में आगे जाकर के बुद्धिज्म में और तेरा पंथ के प्रेक्षा ध्यान में डेवलप किया होगा ऐसा। नेक्स्ट वन, ये एक जो साधना करता है उसको यहाँ पर कहा कि 8 प्रकार का ज्ञान रखना जरूरी है। उसको काल का ज्ञान, अपने बल का ज्ञान, मात्रा का ज्ञान, क्षेत्र का ज्ञान, क्षण, क्षणम जानई पंडिये, यानी वर्तमान क्षण की कीमत को समझो, समझता है वही पंडित है, और समयज्ञ और भावज्ञ। तो इस प्रकार ये ज्ञान चेतना से ही साधना की शुरुआत होती है, ऐसा मेरा हम्बल कंटेंशन है। नेक्स्ट वन, समत्त दंसी वर्ड आता है जिसका हम सम्यक दर्शी, समत्वदर्शी और समत्त दंसी, जो साधना करते हैं वो इन तीन की साधना करते हैं, सम्यक तरह करते हैं, समत्व का करते हैं और समस्त रूप में करते हैं। नेक्स्ट वन, भाव लोक का वर्णन आता है, नाम स्थापना, द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव, भव और पर्याय, इन सब का जानकार होने के बाद ही वो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। ये भाव लोक में बताया है और इस चैप्टर में बहुत क्लियरली बताया है कि तुम दूसरे बाहर के लोक को जीतने की चिंता मत करो, तुम अपने अंतर लोक को, भाव लोक के ऊपर विजय पाने की कोशिश करो। नेक्स्ट, वीतराग कौन है? तो कहा कि जो आत्मवान है, ज्ञानवान है, वेदवान है, धर्मवान है और ब्रह्मवान है, और ये पूरा रत्नत्रय का सूचक है, ये तीसरे अध्ययन में बताया है। नेक्स्ट वन, प्लीज प्लीज प्लीज, 9 मीनिंग्स ऑफ द वर्ड समाधि, ये भी हमें वहां पर मिलता है, मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगी। समाधि के बारे में पतंजलि योग दर्शन और जो इसका वर्णन यहाँ पर मिलता है, इसके ऊपर एक कंपेरेटिव स्टडी की भी बहुत जरूरत है। ये कुछ कोट्स है आचारंग सूत्र से, क्षण को जानता है वो पंडित, जे गुणे से आवट्टे, जे आवट्टे से गुणे, गुण का मतलब है 5 इंद्रियों के विषय, वही संसार का आवर्तन है और संसार में आवर्तन और कुछ नहीं है, 5 इंद्रिय के विषय हैं। और जो गुण, गुण का मतलब वापस यहाँ पर बताया कि इंद्रिय विषय, यही संसार का मूल स्थान है और संसार का मूल स्थान ये 5 इंद्रिय के विषय है। और फिर भगवान ने कहा कि मुझे मानना धर्म नहीं है, मेरी आज्ञा को माने वो धर्म है, आणाए मामगम धम्मम, मेरी आज्ञा ही धर्म है। और फिर सुत्ता अमुनि, मुनिनो सया जागरंती, यानी जो सोया हुआ है वो अमुनि है और मुनि वो है जो सदा आत्मा में जागृत रहता है। और सच्चम में धिट्टिम कुवह, सत्य में धृति करें। और फिर कहा अनन्नम चर माहणे, हे माहण, माहण का मतलब यहाँ पर जो किसी की भी हिंसा नहीं करता है, तू अनन्य में चर, अन्य यानि दूसरा और अनन्य यानि आत्मा, यानि तू आत्मा में रमण कर। नेक्स्ट, बहुत सारे कोट्स हैं, मैं समय के अभाव में इन सबको डिटेल में नहीं ले पा रही हूँ, ये आचारांग ही है। और वहाँ पर भगवान कहते हैं तुम स्वयं तुम्हारे मित्र हो, तुम ही तुम्हारे शत्रु हो, तुम स्वयं से युद्ध करो। तो स्वयं से युद्ध करने का मतलब है कि तुम परिग्रह में, कर्म में और अपने भावों का पूर्ण पूर्ण विवेक रखो, कि तुम क्या उपकरण रखते हो, उनको कैसे यूज़ करते हो और किस भाव से तुम उनको यूज़ कर रहे हो, इन तीनों के ऊपर तुम पूर्ण विवेक रखो, जागृति रखो। जो आत्मा है वो विज्ञाता है, जो विज्ञाता है वो आत्मा है। और इस तरह से आत्मा का आज्ञा और निरुपाधिक समाधि के बारे में, निरुपाधिक साधना के बारे में आचारंग हमें बताता है। नेक्स्ट वन, 9वां अध्ययन, भगवान महावीर की ध्यान साधना, उपधान श्रुत। आज मूर्ति पूजक समाज में उपधान तप कराया जाता है, लेकिन बहुत से लोगों को ये उपधान शब्द का अर्थ भी शायद नहीं मालूम होगा। तो उप यानि नज़दीक और ध्यान या ध्यान का मतलब है ध्यान करना, तो अपने आत्मा के नज़दीक रह करके आत्मा का ध्यान करे, तो ऐसा उपधान कैसे किया जाता है उसका वर्णन है। नेक्स्ट, लास्टली, कितने भी वर्ड्स हो, कोई भी लॉजिक हो, ये पर्याप्त नहीं है। ये साधना से जो सुख की प्राप्ति होती है उसको हम वर्ड्स में नहीं बता सकते। तो इस तरीके से मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और चर्चा बहुत सारी है, अब हम आगे के विद्वानों को सुनेंगे। इसी कड़ी में अब हम आगे बुलाएंगे वीर सागर जी को और वो हमें बताएंगे कि ये योग साधना करते हुए मुनि भगवंतों को कैसे परिचयों का सामना करना पड़ता है। तो आप पधारें।